कुदरत का कहर, बदलता मौसम, बढ़ती आबादी, ये वो समस्याएं हैं जिनका समाधान बहुत जरूरी है। ये इंजीनियरिंग के एक नए युग की शुरुआत है। हम अपनी जान बचाने के लिए आज कुछ भी कर सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी में एक दिन अपने आप चलने वाले ये पॉड कारों को सड़कों पर से हटा देंगे। ये है मेगा इंजीनियरिंग। जरा सोचिए, वो शहर कैसा होगा जिसमें कारें नहीं होंगी, ट्रैफिक नहीं होगा और आपको कहीं आने जाने के लिए सिर्फ एक बटन दबाना पड़े। और जहां आप अपना वाहन नहीं चलाएंगे बल्कि आपका वाहन आपको चलाएगा। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के सबसे घने बसे शहरों में से एक है। जहां तक वॉशिंगटन डीसी के ट्रैफिक की बात है तो वो बहुत बुरे हाल में है। शायद हम इतनी बड़ी समस्या का सामना इसलिए कर रहे हैं कि एक ही वक्त पर काफी लोग वॉशिंगटन आते हैं और यहां से बाहर भी जाते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन एक कंपनी वाला शहर है और यहाँ पर एक ही मालिक के पास लाखों लोग काम करते हैं, यानी सरकार के पास। वो चाहे सरकारी नौकर हो या व्यवसायी, सबके काम का समय वही होता है, सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसी वजह से यहाँ पर रोज करीब 10 लाख कारें शहर से आती जाती हैं। इससे भीड़ के वक्त वॉशिंगटन में अक्सर ट्रैफिक जैम होता है और हर साल लोगों को करीब 10 करोड़ घंटे ज्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है। और इस शहर का नक्शा ऐसा है कि यहाँ ट्रैफिक की हालत सुधर ही नहीं सकती। इसके लिए ये चालक शहर के निर्माताओं को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। 1791 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने फ्रांस के वास्तुशास्त्री और फ्रीमेसन पिए शाल लाफाओं को देश की राजधानी बसाने के लिए बुलाया। लाफाओं ने एक ऐसा शहर बसाया जो कला और खूबसूरती की मिसाल था। लेफों एक बहुत अच्छे वास्तुशिल्पी और डिजाइनर थे, लेकिन वो ट्रैफिक या ट्रांसपोर्टेशन प्लानर नहीं थे। उन्होंने जिस शहर की योजना बनाई थी उसमें सरकारी इमारतों के लिए खास जगह बनाई थी और सड़कें ऐसी थीं जिनमें ट्रैफिक वॉशिंगटन शहर से नहीं गुजरता था। वो सड़कें शहर के शानदार वास्तुशिल्प को उभारती थीं। उन्होंने इस शहर की परिकल्पना ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए नहीं की थी और 21वीं सदी को ध्यान में रखकर तो बिल्कुल नहीं की थी। आज भी हम व्हाइट हाउस से पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और कैपिटल तक बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। और जब दिमाग में ये सोच हो तो कोई भी डिजाइनर वैसे ही सड़कें बनाएगा जिनसे आने जाने वालों को और सैलानियों को असुविधा ही होगी। लाफों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि 10,000 की आबादी एक दिन 50 लाख में बदल जाएगी और उन्होंने कारों की तो कल्पना भी नहीं की होगी। ये शहर 18वीं सदी के लोगों ने बनाया था जो 21वीं सदी के बारे में नहीं सोच सकते थे। उन्होंने इसे इस तरह से नहीं बनाया था कि ये आज की करोड़ों कारों को भी संभाल सके। क्योंकि घने बसे शहरों में एक तो सड़क के विस्तार की जगह कम होती है, ऊपर से सड़क बनाने पर खर्च भी ज्यादा आता है, इसलिए यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर एक बिल्कुल अलग उपाय अपनाने की सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसे उपाय सुझाए हैं जो किसी विज्ञान कथा फिल्म के लगते हैं। उनका कहना है कि भीड़ भरे शहरों से कारों को हटा दो और उनकी जगह ले आओ पर्सनल रैपिड ट्रांजिट, यानी PRT, बिजली से अपने आप चलने वाले वाहन जो कारों से ज्यादा सुरक्षित होंगे और सार्वजनिक वाहनों से ज्यादा तेज रफ्तार भी। इनमें सफर करने वाले लोग स्टेशन पर जाएंगे और अपनी मंजिल चुनेंगे। वहाँ से गुजरते पॉड अपने आप ही वहाँ रुक जाएंगे और वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देंगे। वो बेहद तेजी से बिना कहीं रुके जाएंगे और उनमें कोई चालक भी नहीं होगा। हमारी सोच ये थी कि हम पूरे शहर में इन पॉड कार में ठीक उसी तरह से घूम सकें जैसे अपनी कार में जाते हैं, लेकिन हमें उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो कार में करना पड़ता है।
असल में ये एक ऑटोमेटिक टैक्सी सेवा है जो हमें शहर में कहीं भी पहुंचा सकती है। विक्टोरिया काल के शहरों में अपनी कार में सैर करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम इसमें काफी सुधार कर सकते हैं और ये पॉड डिजाइन उन सुधारों की ओर हमारा पहला कदम है। हमारे निजी पॉड हमारी मौजूदा कारों से हर मायने में कहीं बेहतर साबित होंगे। उन्हें एक पावर ग्रिड से ऊर्जा मिलेगी और वो हवा या सौर ऊर्जा से चलने वाले स्रोत होंगे। वो पॉड हल्के प्लास्टिक से या वैसे ही दूसरी चीजों से बने होंगे। इस तरह से ऊर्जा की खपत भी कम होगी। सबसे बड़ी बात कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक होंगे, जिससे इंसान की गलती से होने वाले हादसे भी कम हो जाएंगे। ये कारों से सुरक्षित होंगे और इनके लिए बने रास्ते सड़कों या रेल की पटरियों से कम खर्च में बन जाएंगे। पीआरटी असल में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरों के लिए एक शानदार मौका है और कुछ तो वॉशिंगटन डीसी से 3 घंटे के सफर पर पश्चिम में बसे एक छोटे से शहर को इस पॉड कार का मक्का मानते हैं। ये है मॉर्गनटाउन वेस्ट वर्जीनिया, जहां दुनिया की इकलौती पॉड कार सेवा वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को पिछले 30 साल से एक से दूसरी जगह पर ले जा रही है। वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में आपको बहुत कुछ मिलेगा। लाजवाब पढ़ाई लिखाई, गजब की फैकल्टी और छात्रों को मन बहलाने के लिए बेमिसाल रिक्रिएशन सेंटर। और यहाँ के अनोखे पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तो बात ही निराली है, यानी कि मैं मॉर्गनटाउन पीआरटी के बेड़े में बिना चालक वाले 73 पॉड हैं, जो अपने मुसाफिरों को इसके करीब 11 किलोमीटर के कैंपस में घुमाते हैं। मॉर्गनटाउन सिस्टम में आप हमारे पॉड कार सिस्टम का अंदाजा लगा सकते हैं। ये प्रेसिडेंट निक्सन की देन है, जो चाहते थे कि यहाँ भी एक ऐसी परिवहन सेवा हो जो अंतरिक्ष जैसी हो। मॉर्गनटाउन को इसलिए चुना गया था क्योंकि वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के 3 अलग अलग कैंपस हैं और उन्हें जोड़ने के लिए एक ऐसा ही साधन चाहिए था। साथ ही ये भी देखना था कि पीआरटी परिवहन के सार्वजनिक साधन के तौर पर काम कर पाएगा या नहीं। इसका इस्तेमाल करने के लिए मुसाफिर को अपना आईडी कार्ड स्वाइप करना पड़ता है। ऐसा करते ही वहां से गुजरता पॉड रुक जाता है। सवार होते ही वो रास्ते में कहीं रुके बिना सीधे अपनी मंजिल तक चला जाता है। मॉर्गनटाउन की ये सार्वजनिक परिवहन दुनिया की सबसे सुरक्षित परिवहन सेवा है। असल में ये बेहतरीन परिवहन सेवा है। इस सेवा ने शुरू में ही आम जनता का ध्यान खींचा था, लेकिन तब ये कई समस्याओं से जूझ रही थी और अक्सर लोगों को देर हो जाती थी। जब इसके डिजाइन में बदलाव किया गया तब बजट आसमान छूने लगा। वो $1.10 करोड़ से 12 करोड़ पहुँच गया। ऐसे में ये परियोजना शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली थी। 1973 में मैं इसी यूनिवर्सिटी का छात्र था और लोग कह रहे थे कि इस सेवा को बंद कर दिया जाएगा। बजट आसमान छूने लगा था और इसके डिजाइन से समस्या थी, वाहनों के साथ साथ इसके गाइडवे में भी। डिजाइनरों को बाद में एहसास हुआ कि बर्फ की वजह से ज्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि इस शहर में हर साल करीब 30 इंच बर्फ गिरती है। इसके बाद उन्होंने इसके गाइडवे के नीचे एक हीटिंग सिस्टम लगाने का फैसला किया, ताकि पीआरटी खराब से खराब मौसम में भी चलता रहे। इनका गाइडवे डिजाइन इस तरह का था कि उसके नीचे नीचे पाइप लगे थे। हमने तय किया कि हम इन्हीं पाइपों को ग्लाइकॉल के घोल से गर्म करेंगे। हम उसे करीब 180 डिग्री पर गर्म करके उसे नीचे लगे ग्रिड से प्रवाहित करते हैं, जिससे ऊपर जमी बर्फ पिघल जाती है और सतह साफ हो जाती है। उनकी ये दूरदर्शिता काम आई। जब भारी बर्फबारी से पूरा शहर थमसा गया था, तब कार में सवार लोग अपनी कारों के पहिए सड़कों पर नचा रहे हैं, लेकिन पीआरटी ही इकलौती परिवहन सेवा थी जो अपना काम कर रही थी, और इससे इसके सबसे बड़े आलोचक भी इससे बहुत प्रभावित हुए। लेकिन मॉर्गनटाउन पीआरटी अपने इस दावे पर कभी खरा नहीं उतरा कि वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसे चलाने वाले हार्डवेयर 20 साल पुराने कंप्यूटर थे। वो अपने जमाने में भले ही आला दर्जे के रहे होंगे, लेकिन इस काम के लिए सही नहीं थे। आज तो इसे अक्सर ठीक करना पड़ता है। ये 55 पर है, मैं बायां दरवाजा खोल दूं। लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी मुसाफिर इसे बहुत पसंद करते हैं। 1980 के दशक के मध्य में जब इस प्रयोग को खत्म करने की बात आई, तब कांग्रेस ने इसे चलाते रहने के लिए वोट किया। आज ये रोजाना करीब 15,000 छात्रों को एक से दूसरी जगह तक ले जाता है और खर्च भी बहुत कम आता है। मॉर्गनटाउन के निवासियों को 50 सेंट देना पड़ता है तो छात्रों को एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। ये सेवा इतने साल से जारी है और मॉर्गनटाउन पीआरटी ने सुरक्षा का बेहतरीन रिकॉर्ड भी बनाया है।
7 करोड़ बार के सफर में एक भी हादसा नहीं हुआ। अगर ये सेवा वॉशिंगटन डीसी में भी इसी तरह काम करती रही तो हजारों लोगों की जान बचेगी और करोड़ों डॉलर का नुकसान भी नहीं होगा। मॉर्गन टाउन ने हमें रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन वॉशिंगटन वाले सिस्टम को इसके मुकाबले कहीं बेहतर बनाना होगा। वहाँ बनने वाला पर्सनल पॉड नेटवर्क इसके मुकाबले 250 गुना लंबा होगा, जिसमें सैकड़ों स्टेशन होंगे और करीब 1500 किलोमीटर लंबा गाइडवे होगा। इसके लिए डिजाइनरों को बिल्कुल सुरक्षित और ऐसे निजी पॉड बनाने होंगे जो समझदार हों और अपने आप चलें। कुछ इंजीनियर मानते हैं कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान ये है कि इसे कई चरणों में बनाया जाए। सबसे पहले तो इसे वॉशिंगटन डीसी के एक सबसे व्यस्त रास्ते के समानांतर बनाना होगा, उस हाईवे के समानांतर जो शहर को डलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ता है। इसके बाद दूसरे चरण में पॉड कार सिस्टम का विस्तार करना होगा, जिनमें सड़कों पर पॉड होंगे और शहर की तंग गलियों से गुजरेगा एक बेहद हल्का हवा में झूलता गाइडवे। शहर की अहम इमारतों को नुकसान पहुंचाए बिना शहर के कोने कोने में जाएगा और पूरे शहर को जोड़ेगा। अगर ये सिस्टम वॉशिंगटन में कामयाब रहा तो दुनिया भर में ये पर्सनल पॉड सिस्टम एक मिसाल बन जाएगा। हमारे शहर जिस तरह से बनाए गए हैं उनमें अभी काफी बड़े पैमाने पर सुधार किया जा सकता है, और अब हमें अपनी कारों को भुलाकर परिवहन के लिए नए साधनों की तलाश करनी होगी, और उस दिशा में पॉड सिस्टम बेहद कारगर साबित हो सकता है। लेकिन ये सफर बेहद लंबा है, और इससे पहले कि राजधानी का ट्रैफिक बेहतर हो पाए वो शायद और बदहाल हो जाए। कारों को शहर से हटाने की दिशा में पहला कदम उठाया है वॉशिंगटन डीसी के बाहरी इलाके में, जहां निर्माण करने वाले मजदूर गाइडवे बना रहे हैं, जिनके ऊपर शहर से लेकर डलेस एयरपोर्ट तक बेहद तेज रफ्तार पॉड चलेंगे। ये पॉड सिस्टम व्यस्त सड़कों पर से हजारों कारों को हटा देगा, जिससे शहर के हाईवे पर ट्रैफिक कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन ये काम बड़ा ही मुश्किल और पेचीदा है, लेकिन इन्होंने इंग्लैंड में चल रही ऐसी ही एक परियोजना से कुछ सबक सीखे हैं, जिससे इन्हें थोड़ी आसानी हो सकती है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर वाहनों की जांच का काम दुनिया के पहले असली पर्सनल पॉड सिस्टम पर किया जाने लगा है। इनकी योजना है कि ये दुनिया के तीसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डे पर जमीनी परिवहन को बहुत कम कर देंगे। हीथ्रो पर रोजाना 1000 से ज्यादा विमान उड़ते और उतरते हैं। इसके पांचों टर्मिनल से रोजाना करीब 1,85,000 मुसाफिर गुजरते हैं, जिनके लिए यहाँ पर करीब 50,000 ऑटो, 2,000 ट्रेन कार और 200 बसें हैं, जो इन मुसाफिरों को शहर तक लाती ले जाती हैं। अगर हम हीथ्रो के विशाल टर्मिनल 5 को ही लें तो ये इतना व्यस्त रहता है कि इसे दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है। नए टर्मिनल के खुलने के बाद शुरू के 2 साल में हीथ्रो प्रशासन ने कोशिश की कि दबाव कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन की संख्या बढ़ा दी जाए, लेकिन इससे खास फायदा नहीं हुआ। बसों और ट्रेनों से काम नहीं चल रहा था क्योंकि उनके आने जाने का वक्त निश्चित नहीं था और वो बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे। हीथ्रो की ट्रैफिक समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। फिर 2005 में हीथ्रो प्रशासन से संपर्क किया ATS नाम की एक छोटी सी कंपनी ने, जिसके पास हवाई अड्डे ट्रैफिक समस्या का एक अनोखा समाधान था। BAA ने हमें ये प्रस्ताव करीब 5 साल पहले दिया था। ये सिस्टम बनाने वाली कंपनी ATS हमारे पास आई और कहने लगी कि आपकी समस्या के लिए हमारे पास एक अच्छा समाधान है। 1 साल बाद हमें उसकी बात पर भरोसा होने लगा था। उनका समाधान क्या था? अल्ट्रा, छोटे छोटे ऑटोमेटिक पॉड की एक फौज जो मुसाफिरों को टर्मिनल 5 से कई किलोमीटर दूर खड़ी उनकी कार तक पहुंचा देंगे। हर पॉड में 1 से 4 मुसाफिर जा सकेंगे और उन्हें ना तो इंतजार करना पड़ेगा ना ही रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा। ये बात बड़ी अजीब सी लग रही थी, लेकिन सच तो ये है कि ये छोटे वाहन बसों और ट्रेनों से ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि ये रास्ते में कहीं रुकते नहीं थे। इसी एक अहम खूबी ने इस सिस्टम की खोज करने वाले का हौसला बढ़ाया था। मैं हूं मार्टिन लोसन और मैंने ही इसकी शुरुआत की थी।
मैं असल में अंतरिक्ष व्यवसाय से जुड़ा था। शुरू में मैं मून प्रोग्राम के लिए काम कर रहा था। मार्टिन ने 1960 के दशक में अपोलो प्रोग्राम के साथ अपना करियर शुरू किया था। इन्होंने सैटर्न वी रॉकेट बनाने में मदद की थी, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन 1969 में चांद पर गए थे। सच कहूं तो मैं असल में एक रॉकेट साइंटिस्ट हूं। जल्दी ही मार्टिन ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को अलविदा कह दिया और ऐसी चीजों के बारे में सोचने लगे जिनके बारे में नासा ने भी नहीं सोचा था। हमने ये कोशिश की कि डिजाइन और भरोसे के मामले में हम एरोस्पेस के मानकों को अपनाएं और फिर उनके आधार पर निजी परिवहन सेवा बनाएं। तुम तैयार हो? आज मार्टिन इंसानियत के लिए एक और लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं। ये आज उस वाहन को आजमाने जा रहे हैं जिसे बनाने के लिए इन्होंने अपनी एक चौथाई जिंदगी लगा दी है। खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज ही हीथ्रो प्रशासन भी पहली बार देखेगा कि उसके 6 करोड़ डॉलर के निवेश का क्या अंजाम होता है। इस बात में कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया देख रही है कि हम हीथ्रो में कौन सा तीर मारते हैं। हम जानते थे कि हमारे बाद बहुत से लोग ये उपाय अपनाने की कोशिश करेंगे और इस पहले परीक्षण के बाद वो दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर इसे अपनाने वाले बनना चाहेंगे और वो अपने अपने देश में या शहर में इसे अपनाएंगे। पर्सनल पॉड के समर्थक मान रहे थे कि भविष्य का परिवहन अल्ट्रा सिस्टम की कामयाबी या नाकामी पर निर्भर करता है। हीथ्रो हवाई अड्डे पर अल्ट्रा सिस्टम की कामयाबी पॉड कार इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम थी। मैं तो मानता हूँ कि इस युग में पॉड कारों का भविष्य इसकी कामयाबी पर ही निर्भर करता है। मार्टिन की पहली सैर तो इसके असली रूप का एक बड़ा ही साधारण सा रूप था। परीक्षण के दौरान वहाँ पर ट्रैफिक नहीं था और तब पॉड का अपना दिमाग भी नहीं लगाया गया था। अभी तो एक लैपटॉप ही इसे चला रहा था। जैसे ही पॉड का कंट्रोल दबाया जाएगा तो उसमें लगे 4 लेजर सेंसर इसके गाइडवे को स्कैन कर लेंगे और फिर उसी हिसाब से इसकी दिशा और रफ्तार तय करेंगे। एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर पूरे सिस्टम पर नजर रखेगा। इसे चलाने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बड़े ही जटिल हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सबसे बड़ी चुनौती है गाइडवे बनाना। उसका मूल डिजाइन तो एक लेन वाले सिस्टम के लिए बनाया गया था, जिसमें एक तरफा ट्रैफिक एक लूप में चलता था। लेकिन उस एक तरफा गाइडवे से काम नहीं बनने वाला था, इसलिए इंजीनियरों ने उसे दोनों तरफ से आने जाने वाला बना दिया। लेकिन इससे गाइडवे की बुनियाद का डिजाइन जटिल बन गया। इससे कई समस्याएं खड़ी हो गई थी, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि जमीन के नीचे क्या है। वहाँ पर ईंधन की और पानी की पुरानी लाइनें थीं और हमें पता लगाना पड़ता था कि वो कहाँ पर हैं, और कई जगहों पर हमें रास्ता भी बदलना पड़ा। वॉशिंगटन में तो सबसे व्यस्त ट्रैफिक वाले गाइडवे के रास्ते, मसलन शहर से डलिस तक का रास्ता, जमीन पर ही बनाया जा सकता है, जिससे उसे बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन ये 2 या 3 गुना चौड़े होंगे ताकि उनके ऊपर बेहद तेज रफ्तार से हजारों पॉड चल सकें। ये सिस्टम इतना जटिल है कि इसके लिए कंप्यूटर वैज्ञानिकों और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को बहुत बड़े पैमाने पर बिल्कुल नई खोज करनी होगी। उन्हें एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली कंप्यूटर नेटवर्क बनाना होगा जो सुरक्षा के पैमाने पर खरा उतरे और वो अपनी समझ से उन पॉड को चला सके। वो उन्हें इतनी समझ बूझ दे सके कि वो बिजली की तेजी से प्रतिक्रिया कर सकें और अपने दिमाग से चलें। यहाँ पर चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं है और जरा सी नाकामी का मतलब है तबाही। इसके लिए इंजीनियरों को अश्विनी कैलिफोर्निया के कालट्रांस ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सेंटर में सीखे गए सबकों से प्रेरणा लेनी होगी। 2002 में जब से ये शुरू हुआ है, तब से मार्को रोआनो इसके संचालन केंद्र में तैनात है और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर देश के सबसे बदहाल ट्रैफिक से जूझ रहे हैं। हम अपने सिस्टम पर नजर आने वाली घटनाओं पर नजर रखते हैं, जिनमें दूसरी घटनाओं के साथ साथ हादसे भी हैं। हम उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। हम अपने सिस्टम पर देखते हैं कि ट्रैफिक किस तरह से चल रहा है और कहां पर जाम होने वाला है, कहां मदद की जरूरत है और कहां देर हो रही है। इसकी मदद से हम लॉस एंजलिस के हाईवे पर नजर रखते हैं और फिर जहाँ पर जाम होता है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। कालट्रांस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है इसका दो तरफा संचार। जैसे ही सड़क की स्थिति का पता लगता है, उसकी सूचना चालक को दे दी जाती है। हमने सड़कों पर सेंसर लगा रखे हैं, जिनसे हमें दो बातें पता लग जाती हैं।
एक तो ये कि उस सेंसर या स्टेशन से कितनी कारें गुजर रही हैं, और दूसरी ये कि उन कारों की रफ्तार क्या थी। एक कंप्यूटर उस जानकारी को ट्रैफिक जैम की असली तस्वीर में बदल देता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर स्क्रीन पर यह नक्शा हरा होता है तो मतलब है कि ट्रैफिक अच्छी तरह से चल रही है। अगर उसका रंग बदलने लगे और वो पीला या नारंगी रंग का होने लगे तो मतलब ये है कि ट्रैफिक की रफ्तार कम होने लगी है। ये नक्शे सड़कों पर लगे सेंसरों की मदद से सड़क की ताजा स्थिति के बारे में बता देते हैं, लेकिन ये सेंसर पूरे ट्रैफिक के बारे में बताते हैं, एक एक कार के बारे में नहीं, ना ही टक्कर या किसी और हादसे के बारे में। वॉशिंगटन में ज्यादा बेहतर सेंसर लगाने होंगे और पॉड में ही लगाने होंगे, तभी वो लगातार सारी जानकारी सेंट्रल कंप्यूटर को दे पाएंगे और तब ट्रैफिक की असली और सटीक तस्वीर मिल पाएगी। अगर कहीं हादसा होता है तब गाइडवे पर हंगामा खड़ा हो जाएगा। जहां तक केंद्रीय नियंत्रण की बात है तो हमारे दिमाग में उससे जुड़ी कई समस्याएं आई हैं। उनमें से एक तो यह है कि एक ही जगह पर खराबी आ सकती है। इसके अलावा दूसरी समस्या यह है कि इस सिस्टम को एक बार में लाखों या हो सकता है कि करोड़ों कारों पर नजर रखनी पड़े, और उसके लिए हमें जिस तरह की कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए वो आज हमारे पास नहीं है। अपने दम पर तो मेन कंप्यूटर कभी भी वॉशिंगटन के पॉड सिस्टम को नहीं चला पाएगा। गनीमत है कि उसे मदद मिलेगी, क्योंकि ये पॉड इस सेंट्रल कंट्रोल के सहारे नहीं होंगे बल्कि अपने दम पर चलेंगे। पॉड सिस्टम के सेंट्रल कंप्यूटर का काम होगा पूरे नेटवर्क में ट्रैफिक की स्थिति को सही बनाए रखना। ये उन पॉड को कहीं पर फंसने या दूसरे हादसों से बचाएगा, लेकिन बात जब एक से दूसरे जगह तक जाने की होगी तो ये पॉड अपने आप ही चलेंगे। ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन इस तरह से चलने वाले रोबोट आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ये है कीवा रोबोट, या कह लीजिए कीवा रोबोटों की फौज, जो आज अमेरिका में स्टोरेज और माल ढोने का काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है। जहां तक इसके आसपास के गोदाम की बात है तो ये आने वाले तमाम ऑर्डर को इस तरह से भरते हैं। सामान उठाने वाले रोबोट गलियारे में घूमते रहते हैं और वो चीजों को उठाते हैं। ये तरीका अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये काम इसी तरह से हो सकता है। अभी तक तो यही था, लेकिन कीवा सिस्टम के पास इतने रोबोट हैं जो सारे उत्पाद को पिकर तक लाते हैं, वो भी किसी इंसान की मदद के बिना। अगर आप कीवा गोदाम को देखें तो लगेगा कि वहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन असल में वो पूरी तरह से नियंत्रित होता है। इसके सारे बड़े कामों के बारे में एक सेंट्रल सर्वर सोचता है और वही इन्हें काम सौंपता है। इसके बाद उस काम को कैसे करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब कुछ रोबोट खुद सोचता है। कीवा बॉक्स देखने में भले ही पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन पॉड जैसा न लगता हो, लेकिन ये जिस तरह से समस्याओं का हल ढूंढता है और दोनों सिस्टम जिस तरह से निदान ढूंढते हैं, वो करीब करीब एक जैसा ही है। कीवा सिस्टम में आने वाले सारे ऑर्डर सीधे सेंट्रल कंप्यूटर में जाते हैं, जिसके पास पूरे गोदाम का एक नक्शा होता है। सेंट्रल सर्वर को ये मालूम होता है कि कब कौन सा रोबोट कहां पर है। यहाँ तक कि सेंट्रल सर्वर को यह भी मालूम होता है कि यहाँ से वहाँ जाने वाले सारे शेल्फ और उनके ऊपर रखे सामान किस वक्त कहाँ पर हैं। इसी तरह से पॉड सिस्टम में लगे सेंट्रल कंप्यूटर के पास पूरे शहर का नक्शा होगा और उसे पता होगा कि कौन सा पॉड कहाँ पर है। वो एक पॉड को मुसाफिर के पास भेजेगा और वही बताएगा कि मुसाफिर को कहाँ उतरना है। सेंट्रल सर्वर कभी भी इनकी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगा, ना ही इनमें से किसी भी पॉड को चलाएगा। असल में ये कीवा सिस्टम के सर्वर की तरह ही काम करेगा और फील्ड में लगे अपने तमाम यूनिट से मिली जानकारी के आधार पर आदेश और निर्देश देगा। लेकिन हर पॉड को खुद ये फैसला करना होगा कि उसे वो काम कैसे निपटाना है। इस तरह से ये सेंट्रल सर्वर असल में उच्च दर्जे के काम करता है। ये फैसला करता है कि किस रोबोट को किस अभियान पर भेजना है, ये देखता है कि गोदाम में किस जगह पर ज्यादा भीड़ है और किस जगह को पार करने में परेशानी हो रही है। लेकिन हर रोबोट को खुद ही ये फैसला करना पड़ता है कि उसे कहां पर बचना है और कैसे आगे जाना है। इतना ही नहीं, रोबोट उस बाधा के बारे में सेंट्रल सिस्टम को भी बताता है
और तब वो बाकी के रोबोटों को भी बता देता है कि बाधा कहां कहां पर है। इससे ये ऐसा व्यवहार करते हैं जो इतना सही और सटीक होता है कि इनके साथ ही इंसान भी इनसे घबराने लगे हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हम अब ये मानने लगे हैं कि ये रोबोट बुरे नहीं हैं। असल में ध्यान से देखने पर लगता है कि बुरे लोगों के मुकाबले बुरे रोबोटों की संख्या काफी कम है। ये तो हमारे रिसर्च विभाग की कामयाबी का एक शानदार नमूना है। इस तरह से केंद्रीय और स्थानीय नियंत्रण के जरिए हम इस सिस्टम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। कीवा के इंजीनियरों ने 500 और 1000 रोबोट नेटवर्क बनाए थे। अब ये 2500 से ज्यादा रोबोट बनाने की योजना बना रहे हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। कीवा सिस्टम हमारे लिए सेमी ऑटोनोमस पॉड नेटवर्क का एक सटीक जवाब है। हमारी योजना यह है कि आज अमेरिका में इस तरह के लाखों ऑटोनोमस वाहन बड़े ही सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से चल रहे हैं और ये हमारे आने वाले कल के पर्सनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक बड़ी सी ठोस बुनियाद है। इनसे जुड़ी कई समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और जो बची हैं उन्हें भी हल कर लिया जाएगा। वॉशिंगटन के पॉड के लिए कीवा रोबोटों से ज्यादा बेहतर कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये पॉड एक दूसरे के बेहद करीब रहते हुए बहुत तेजी से भागेंगे। इनमें टक्कर ना हो इसके लिए इंजीनियर इन पॉड को जानवरों का एक बड़ा ही आम व्यवहार सिखाएंगे। परिंदों के पूरे झुंड के साथ ऐसा कोई पायलट नहीं होता जो उन्हें कहे कि दाएं या बाएं जाओ। वो अपने आप ही एक खास फॉर्मेशन में उड़ते हैं। ये परिंदे बड़े ही बुनियादी नियमों का पालन करते हैं। ये उसी दिशा में जाते हैं जिधर उनका पड़ोसी जाता है और ये एक दूसरे से टकराने से बचते हैं और ये उनसे बचते हुए उनके बेहद करीब बने रहते हैं। वैज्ञानिक इसे इमर्जेंट बिहेवियर कहते हैं। ये एक ऐसा व्यवहार होता है जब झुंड के सदस्य एक दूसरे की हरकतें देखकर कुछ करते हैं। जब चींटियों का झुंड कहीं जाता है तो आगे वाली हर चींटी एक रसायन का निशान छोड़ती है, फेरोमोन का। जल्दी ही ये चींटियां पास के भोजन स्रोत तक एक हाईवे बना लेती हैं। कीवा रोबोट भी इन्हीं नियमों के आधार पर काम करते हैं। हर रोबोट को असल में तीन काम करने पड़ते हैं। इनका पहला और सबसे अहम काम है बिल्कुल सीध में जाना। इसके अलावा अगर इन्हें लगे कि सामने कोई बाधा है तो उसे बचना। और इनका तीसरा काम ये है कि जब ये किसी मोबाइल शेल्विंग यूनिट या शेल्विंग पॉड के करीब पहुँचे तो उनसे बात करें। लेकिन पॉड के नियम बिल्कुल अलग होंगे क्योंकि उन्हें जिस माहौल में चलना है वो बिल्कुल अलग होगा। शहर का माहौल गोदाम के माहौल से बिल्कुल अलग और ज्यादा जटिल होता है। शहर में तो इनके सामने कभी भी कोई इंसान आ सकता है, इसलिए हमें एक बहुत ही आला दर्जे का एल्गोरिथम बनाना होगा ताकि हम सामने आने वाली इन समस्याओं से निपट सकें। वैसे बुनियादी सिद्धांत तो वही होंगे। इंजीनियरों को पूरा भरोसा है कि वो इन पॉड को अवरोधों से बचना सिखा देंगे ताकि ये कारों से बेहतर तरीके से उन्हें पार कर सकें और साथ में तालमेल बनाते हुए ये अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। जब ये पॉड वॉशिंगटन और दूसरे शहरों में चलने लगेंगे तब एक दिन ये कारों को हटा देंगे। लेकिन इनकी वजह से एक दिन कार कंपनियां भी बंद हो जाएंगी। कार निर्माता तो अभी से समझ गए हैं कि उनका क्या अंजाम होने वाला है, इसलिए वो अभी से उन स्मार्ट टेक्नोलॉजी के विकास पर अरबों डॉलर खर्च करने लगे हैं जिनसे पॉड बनाए जा सकें। हम इन बातों पर अक्सर ध्यान नहीं दे पाते लेकिन आज बहुत सी कारें ऐसी हैं जिनमें उस तरह के फंक्शन हैं जो आगे जाकर हमारे काम आएंगे। इस एक्सपेरिमेंटल कार में रेडार, सोनार और वीडियो कैमरे लगे हैं जिनसे ये बाधाओं की पहचान कर लेती है और कई बार तो उनसे बचने के लिए चालक की भी बात नहीं मानती। कई बार हमें ऐसे ब्लाइंड स्पॉट मिलते हैं जो हमें अपने आईने में नहीं दिखते, ना ही लेन बदलते वक्त ही हम उन्हें देख पाते हैं। इसमें लगा साइड कोलिजन प्रिवेंशन सिस्टम हमें तभी आगाह कर देगा जब हम लेन में जाएंगे। अगर हमने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो इसका स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम दूसरे तरफ के ब्रेक लगा देगा और फिर हमें अपने आप ही उस लेन में ले जाएगा। भविष्य के पॉड की तरह ये एक्सपेरिमेंटल कारें भी सड़क से बात करेंगी। असल में हम सड़क पर और हर चौराहे पर एक रोड साइड यूनिट लगाएंगे जो इन कारों से बात करेंगे और इन्हें संकेत भेजेंगे।
जब वो कार चौराहे पर पहुंचेगी तो वो उसे बताएंगे कि अब सिग्नल लाल होने वाला है। रुकने की तैयारी कीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो ये सिग्नल लाल होने पर कार को रोक भी देगा। लेकिन इन सभी सिस्टम की एक बुनियादी खामी है, चालक। आज 90% से ज्यादा हादसे इंसान की गलती से होते हैं। इसी वजह से इंसान इस समीकरण में सबसे कमजोर कड़ी होता है। अगर हम अपने आप चलने वाले वाहनों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगें, तो गलतियां बहुत कम हो जाएंगी। तब हम जाने कितने लोगों की जिंदगियां और पैसे बचा लेंगे। उससे काफी फायदा भी होगा। इन पॉड के लिए आखिरी लेकिन सबसे मुश्किल बाधा होगी इंसान के हाथ से वाहन की कमान लेना। अगर इंजीनियरों ने इन पॉड को खुद ही चलना सिखा दिया तो कारों के दिन खत्म हो जाएंगे। कम से कम क्रिस आर्मसन तो यही उम्मीद कर रहे हैं। ओके, ये वाहन अपने आप चलेंगे। ये कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स के प्रोफेसर हैं और यहाँ पर ये दुनिया की पहली अपने आप चलने वाली एक नायाब कार बना रहे हैं। ये देखिए, ये है बॉस। बॉस में कुल 19 सेंसर, GPS और एक बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर लगा है जो इस कार को इंसान के मदद के बिना ही चलाएगा। बॉस के पास एक बेहतरीन आभासी नक्शा है और ये लगातार इस बात पर नजर रखती है कि ये कब कहां पर है और इसे कहां तक जाना है। लेकिन ये कार चलाने के मुकाबले कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि इंसान के लिए तो कार चलाना आसान होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए तो मामूली सी हरकत भी बहुत मुश्किल होती है। किसी चौराहे पर रुकने के लिए भी बॉस के अंदर लगे GPS को अपने ढेर सारे सेंसरों के साथ तालमेल बनाना पड़ता है और ये अपने आसपास के डिजिटल नक्शे को देखते हुए अपने कंप्यूटर से स्टीयरिंग व्हील को चलाता है, पेट्रोल पेडल और ब्रेक को दबाता है। बॉस की नजरें हमेशा सड़क पर होती हैं। ये एक सेकंड में 10 बार फैसले लेती है कि उस कार को किस तरफ ले जाना है। वो ये भी तय करती है कि उसे उस वक्त किस लेन में होना चाहिए और ये भी देखती है कि सामने वाली कार की रफ्तार कम हो रही है या बढ़ रही है। उसे बचाने के लिए उसे क्या करना है। अब इसमें एक और कार को डाल दीजिए, उस कार को जिसे एक इंसान चला रहा हो, तो ये माहौल बहुत ज्यादा जटिल बन जाएगा। जैसे कि एक दूसरे से आगे निकलने की समस्या को ही ले लीजिए। क्रिस इसके ऊपर काफी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें ये काम बेहद चुनौती भरा लगा। इस परीक्षण में बॉस को फैसला करना है कि उसे कब आगे निकलना है, कैसे निकलना है और आगे जाना भी है या नहीं। आज हम इसके आगे निकलने की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं। ये एक दो लेन वाली सड़क का माहौल है जिसमें दोनों लेन एक ही दिशा में जा रही हैं। इसमें सामने वाली कार की रफ्तार कम हो रही है या वो उतनी तेजी से नहीं जा रही जितनी तेजी से आप चाहते हैं। इसके लिए ये कार के पीछे आएगी और ये अंदाजा लगाएगी कि आगे वाली कार उम्मीद से धीरे चल रही है, फिर ये दूसरी लेन में जाकर उस कार से आगे निकल जाएगी। मुमकिन है कि बॉस ये काम किसी इंसान जितनी सफाई से ना कर सके या ये उसे उतनी सफाई से पार नहीं कर पाए। ये जल्दी से जल्दी लेन बदल लेना चाहती है क्योंकि यही बात सबसे ज्यादा परेशानी की है, क्योंकि इंसान ये नहीं समझता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन ये इस काम में देरी नहीं करेगी और जल्दी से फैसला लेकर लेन बदल लेगी ताकि दूसरी कारों को कुछ और करने का समय ना मिले। कई बार बॉस की सवारी रोंगटे खड़े करने वाली भी हो सकती है, क्योंकि ये बड़ी तेजी से सामने वाली लेन में घुसकर खुद सुरक्षित जगह की ओर जाने की कोशिश करती है। क्रिस अपनी टीम के साथ एक ऐसा एल्गोरिथम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बॉस की सवारी ज्यादा आरामदेह हो। हालांकि ये अभी तैयार नहीं है, फिर भी बॉस किसी ड्राइविंग टेस्ट में किसी भी इंसान से बेहतर साबित हुई है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो बताती है कि आने वाला कल इन अपने आप चलने वाले वाहनों का है। इससे हमें वैसे ही फायदे होंगे जो आज शोफर वाली कारों से होते हैं। अमेरिका में एक आदमी एक दिन में औसतन 1.5 घंटे का सफर करता है। ऐसे में वो बीच सड़क पर अपनी कार में किसी लेन में फंसा होता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की कोशिश में कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अगर कारें अपने आप चलने लगें, तो हम उस समय का उपयोग कर सकते हैं। हम उतनी देर तक सो सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, अपना ईमेल देख सकते हैं और बिना खतरा उठाए हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जैसे कि नाश्ता खाना या अपना मेकअप ठीक करना। लेकिन इन अपने आप चलने वाले बेहद संवेदनशील पॉड का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हाईवे पर कम लोगों की मौत होगी। दुनिया भर के हाईवे पर हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और अरबों डॉलर का नुकसान होता है। दुनिया भर में हर साल करीब 12 लाख लोग मारे जाते हैं और ये संख्या कम नहीं है।
इन दुर्घटनाओं से ही दुनिया के कुल जीडीपी के 3% के बराबर का नुकसान होता है, जबकि उसमें मौत से होने वाला नुकसान शामिल नहीं है। बचत का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। ये पॉड आज की कारों के मुकाबले लागत के लिहाज से भी काफी सस्ते होंगे और डिजाइन के मामले में ये काफी हद तक कीवा रोबोट जैसे होंगे। क्योंकि ये पॉड रोबोट जैसे होंगे, इसलिए ये खुद ही हादसों से बच निकलेंगे और इन्हें इंसान की जान बचाने के लिए स्टील के बड़े पिंजरों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि कारों में उन्हें लगाना पड़ता है। पॉड हल्के प्लास्टिक या कॉम्पोजिट मटेरियल से बने होंगे। कीवा रोबोट की तरह इन पॉड में भी एक जोड़ी हाई टॉर्क इलेक्ट्रिक मोटर लगे होंगे, जिससे उनके अंदर भारी इंटरनल कम्बशन इंजन नहीं लगाने पड़ेंगे। सबसे बड़ा कीवा रोबोट करीब 1.5 टन सामान उठा सकता है और एक पॉड के लिए इतना काफी है। जब इनकी बैटरी खत्म होगी, तब ये बड़ी समझदारी से पास के सेल्फ चार्जिंग स्टेशन में जाकर बिजली के ग्रिड से खुद को चार्ज कर लेंगे। हालांकि ये बेहद कामयाब है और बेहद सुरक्षित होने के साथ साथ कम ऊर्जा खपत करने वाला भी है, लेकिन इसके डिजाइनर जानते हैं कि बिना राजनीतिक समर्थन के पॉड सिस्टम का सपना साकार नहीं हो पाएगा। लेकिन वॉशिंगटन में हर साल $1 अरब से ज्यादा सड़क बनाने पर खर्च किया जाता है, जबकि उसका कोई खास फायदा भी नहीं हो रहा। इन हल्के पॉड के आने पर शहर प्रशासन को निर्माण की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और वो सिर के ऊपर हाईवे बना सकते हैं, जो काफी सस्ता भी होगा। आसमान में बने एक गाइडवे अपने मैग्नेटिक लेविटेशन से शहर के व्यस्त इलाकों के ऊपर से भी इन हल्के और बिना घर्षण वाले पॉड को इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से चला लेंगे। ये शहर की तंग गलियों से भी गुजर जाएंगे। इनके आने के बाद शहर में पैदल चलने वालों को परेशानी नहीं होगी और वो वैसा ही बन जाएगा जैसा उसे बनाया गया था। जब ये बेहद हल्का बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा, तब शहर की ये बिजली से चलने वाली परिवहन सेवा आज तक की पहली ऐसी सेवा होगी जिससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। ट्रैफिक से होने वाले हादसों की संख्या में काफी गिरावट आएगी। अग्निशमन, पुलिस और सुरक्षा वाहनों को कहीं भी पहुंचने में आसानी होगी और वो जल्दी से जल्दी मौके वारदात तक पहुंच जाएंगे। उनके सफर में 80% समय की बचत होगी, जो अमेरिका की राजधानी के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार आतंकवाद का खतरा बना रहता है और ये पॉड भी उनके निशाने पर हो सकते हैं। पर्सनल पॉड तो वॉशिंगटन डीसी का नक्शा ही बदल देंगे। इस बात में शक नहीं कि इन पॉड कारों की मदद से हमें अपने शहरों के डिजाइन को मूल रूप से बदलने का मौका मिलेगा। हम अब उस दौर में जाना चाहते हैं जहां पर लोग पैदल चलना पसंद करते थे और उन्हें इस तरह की मजबूरी नहीं थी कि वो एक से दूसरी जगह पर कार से जाएं। अगर हम अपने शहर को सुरक्षित और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये पॉड कार ही हमारे उस सपने को साकार कर सकती है। खुद चलने वाले ये पॉड हमारे आने जाने का समय बहुत कम कर देंगे और जब सड़कों पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, तब इन्हें रिचार्जिंग और मेंटेनेंस के लिए हैंगरों में रखा जा सकता है। क्योंकि ये सिर्फ एक बटन दबाने पर कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए ये आतंकवादियों के निशाने पर हो सकते हैं। परिवहन सेवाएं अक्सर आतंकवादियों के निशाने पर होती हैं। उनमें काफी लोग सवार होते हैं और उनमें कोई भी जा सकता है, इसलिए वो आसान निशाना होती हैं। वॉशिंगटन डीसी में अगर इस पॉड सिस्टम पर हमला होता है तो पूरा शहर दहल जाएगा। लेकिन आतंकवादियों के ज्यादातर हमलों को नाकाम किया जा सकता है। अगर इसके गाइडवे सिस्टम पर हमला किया गया तो कुछ देर के लिए ही रुकावट आएगी, क्योंकि उनके अंदर लगे सेंसरों की मदद से ये पॉड उन्हें महसूस कर लेंगे। अगर इसके सेंट्रल कंप्यूटर में कोई कंप्यूटर वायरस भी आता है, तो उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर पॉड का अपना दिमाग होगा और वो दूसरे पॉड से बात भी कर सकेंगे। लेकिन इन्हें चलाने वाला सिस्टम व्हाइट हाउस और सरकार के बेहद करीब है, इसलिए अगर इन वाहनों का इस्तेमाल गाइडेड बमों की तरह किया गया तो उससे पूरा अमेरिका पंगु हो जाएगा।
غنیمت ہے کہ ڈس آٹومیشن کی وجہ سے یہ پوڈ بموں میں بدل سکتے ہیں وہی انہیں بچا بھی سکتا ہے ہر پوڈ کے اندر ایک چھپی ہوئی سرکشا ویوستھا ہوگی جو اصل میں ایک ایسا یانتر ہوگا جو کسی بھی قسم کے وسفوٹک کی پہچان کر لے گا رگینا ڈوگن بموں کے رسائن وگیان کی وشیشگیا ہے وسفوٹکوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ چپ چپے ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی سطح یا ہاتھ پر چپک جاتے ہیں اور ان کے چپ چپے ہونے کے کارن کسی وسفوٹک کو چھونے کے بعد اس کے ثبوت مٹانا بہت مشکل کام ہے بم بنانے کے کارخانے میں وہ میرے ہاتھ پر نہیں بلکہ میرے کپڑوں پر چپکیں گے اگر میں نے کسی اور سطح کو چھو کر اسے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ پھر سے میرے ہاتھ پر لگ جائیں گے مطلب یہ کہ کسی وسفوٹک کے ثبوت مٹانا تو شاید ناممکن ہی ہے ریگینا ریڈیکس ڈیفنس کی پریسیڈنٹ اور سی ای او ہیں اور یہ کمپنی ایک چمکدار ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی بناتی ہے جو کسی بھی وسفوٹک کے سراغ کو ڈھونڈ لیتی ہے انہیں پہچان لیتی ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم ہمارے ماحول میں پہلی بار آئے کسی وسفوٹک کی بھی پہچان کر سکتے ہیں ہم صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کڑ کسی سطح پر چپکے ہوئے ہیں ہر پوڈ اسی ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا اور یہ ہر بار کہیں آنے جانے سے پہلے اپنے اندر کے حصے کو سکین کر لے گا اگر اسے لگا کہ اندر بم ہے تو یہ اپنے دروازے بند کر دے گا اور اپنے سسٹم کو سندیش دے دے گا کہ دوسرے پوڈ کو ہٹا لیا جائے اور اس کے بعد یہ خود ایک سرکشت کھیتر میں چلا جائے گا اگر دیکھا جائے تو کسی پارکنگ میں کھڑی کار میں رکھے بم کے مقابلے یہ پوڈ کہیں زیادہ سرکشت نظر آتے ہیں واشنگٹن کی ٹریفک سمسیا بہت بڑی ہے اور اس کا سمادھان بھی ٹھوس ہی ہونا چاہیے لیکن اسے دنیا کا پہلا پوڈ والا شہر بنانے کے لیے انجینئروں کو وہ کرنا ہوگا جو آج تک نہیں ہوا اور اس کے لیے چاہیے اسادھارن دور درشتا 50 سال پہلے ہم اس طرح کے سسٹم نہیں بنا سکتے تھے لیکن اب مٹیریل سائنس کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور اتپادن کشمتا میں جو وکاس ہوا ہے اس سے آج اسے بنایا جا سکتا ہے امریکہ کی ارتھ ویوستھا کی بنیاد ہے پریوہن سیوا 18th century میں یہ کام نہریں کر رہی تھی 19th century میں یہ ذمہ داری نبھائی ٹرانس کانٹینینٹل ریلوے نے 20th century میں یہ کام کیا انٹر اسٹیٹ ہائی وے سسٹم نے اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ 21st century میں امریکہ کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا یہ پوڈ کار نیٹورک جو امریکہ ہی نہیں دنیا کی تصویر بدلے گا جو صرف ویوسائک ضرورتوں کو ہی پورا نہیں کرے گا بلکہ لوگوں کو بھی ان کی منزل تک پہنچائے گا بھوشیہ کے پریوہن کا آدھار یہی بنے گا ہم اتنا تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ یہ پرسنل پوڈ صرف واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں کے لیے نئے قانون نہیں بنائیں گے بلکہ یہ پوری دنیا کو ہی بدل ڈالیں گے کے واستو شاستری اور فری میسن پی اے شاہ لافاؤں کو دیش کی راجدھانی بسانے کے لیے بلایا لافاؤں نے ایک ایسا شہر بسایا جو کلا اور خوبصورتی کی مثال تھا لفاؤں ایک بہت اچھے واستو شلپی اور ڈیزائنر تھے لیکن وہ ٹرافک یا ٹرانسپورٹیشن پلانر نہیں تھے انہوں نے جس شہر کی یوجنا بنائی تھی اس میں سرکاری عمارتوں کے لیے خاص جگہیں بنائی تھیں اور سڑکیں ایسی تھیں جن میں ٹریفک واشنگٹن شہر سے نہیں گزرتا تھا وہ سڑکیں شہر کے شاندار واستو شلپ کو ابھارتی تھیں انہوں نے اس شہر کی پریکلپنا ٹریفک کو دھیان میں رکھتے ہوئے نہیں کی تھی اور 21st century کو دھیان میں رکھ کر تو بالکل نہیں کی تھی آج بھی ہم وائٹ ہاؤس سے پینسلوینیا ایونیو اور کیپٹل تک بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں اور جب دماغ میں یہ سوچ ہو تو کوئی بھی ڈیزائنر ویسے ہی سڑکیں بنائے گا جب کافی لوگ واشنگٹن آتے ہیں اور یہاں سے باہر بھی جاتے ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ واشنگٹن ایک کمپنی والا شہر ہے اور یہاں پر ایک ہی مالک کے پاس لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں یعنی سرکار کے پاس وہ چاہے سرکاری نوکر ہو یا ویوسائی سب کے کام کا سمے وہی ہوتا ہے صبح کے 9 بجے سے شام کے 6 بجے تک
इसी वजह से यहाँ पर रोज करीब 10 लाख कारें शहर से आती जाती हैं। इससे भीड़ के वक्त वॉशिंगटन में अक्सर ट्रैफिक जैम होता है और हर साल लोगों को करीब 10 करोड़ घंटे ज्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है। और इस शहर का नक्शा ऐसा है कि यहाँ ट्रैफिक की हालत सुधर ही नहीं सकती। इसके लिए ये चालक शहर के निर्माताओं को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। 1791 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने फ्रांस कुदरत का कहर, बदलता मौसम, बढ़ती आबादी, ये वो समस्याएं हैं जिनका समाधान बहुत जरूरी है। ये इंजीनियरिंग के एक नए युग की शुरुआत है। हम अपनी जान बचाने के लिए आज कुछ भी कर सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी में एक दिन अपने आप चलने वाले ये पॉड कारों को सड़कों पर से हटा देंगे। ये है मेगा इंजीनियरिंग। जरा सोचिए, वो शहर कैसा होगा जिसमें कारें नहीं, से आने जाने वालों को और सैलानियों को असुविधा ही होगी। लाफो ने तो सोचा भी नहीं होगा कि 10,000 की आबादी एक दिन 50 लाख में बदल जाएगी, और उन्होंने कारों की तो कल्पना भी नहीं की होगी। ये शहर 18वीं सदी के लोगों ने बनाया था जो 21वीं सदी के बारे में नहीं सोच सकते थे। उन्होंने इसे इस तरह से नहीं बनाया था कि ये आज की करोड़ों कारों को भी संभाल सके। क्योंकि घने बसे शहरों में एक तो सड़क के विस्तार की जगह कम होती है, ऊपर से सड़क बनाने पर खर्च भी ज्यादा आता है, इसलिए यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर एक बिल्कुल अलग उपाय अपनाने की सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसे उपाय सुझाए हैं जो किसी विज्ञान कथा फिल्म के लगते हैं। उनका कहना है कि भीड़ भरे शहरों में होंगी, ट्रैफिक नहीं होगा और आपको कहीं आने जाने के लिए सिर्फ एक बटन दबाना पड़े। और जहां आप अपना वाहन नहीं चलाएंगे बल्कि आपका वाहन आपको चलाएगा। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के सबसे घने बसे शहरों में से एक है। जहां तक वॉशिंगटन डीसी के ट्रैफिक की बात है तो वो बहुत बुरे हाल में है। शायद हम इतनी बड़ी समस्या का सामना इसलिए कर रहे हैं कि एक ही वक्त पर